तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 आ गया है, तो आज मैं एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट में मेरे रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। संजीवू को एक स्क्रीन दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि आप प्लेयर बनना चाहते हो कि नहीं, तो संजीवू उस पर यस क्लिक कर देते हैं। उसके बाद उसको एक लाइटनिंग सी ग्लो होती है उसके अंदर और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है, और तभी दरवाजे से दो ऑफिसर्स अंदर आते हैं जो हेडक्वार्टर से आए हैं। तो संजीवू उनसे पूछता है कि और सभी लोग कैसे हैं, मेरी फ्रेंड और सीनियर कैसे हैं। तो वो बताते हैं जो तुम्हारे सीनियर है उनका हाथ कट गया था और वो अब हंटर नहीं रह सकते, इसीलिए वो रिटायर होंगे, और जो तुम्हारी फ्रेंड है वो अभी तक सदमे में है, इसीलिए वो भी इसलिए अब आगे हंटर नहीं बन पाएगी। और रही बात तुम्हारी, तो हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है। ये रेयरली किसी किसी बंदे को होती है। अगर कोई बंदा बी रैंक पे है तो वो एस रैंक पे पहुंच जाता है, और अगर कोई बंदा सी रैंक पे है वो ए रैंक पे पहुंच जाता है। तो तुम्हारी भी डबल अवेकनिंग हुई है, हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे थे तुम्हारे अलावा वहां पर कोई भी स्टैचू नहीं थे, और सभी लोग थे जो उनके बयान जो उन्होंने दिए वो मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हारी डबल एक्निक हुई थी जिससे तुमने उन मूर्तियों को खत्म कर दिया। तो ये चेक करने के लिए एक मशीन लेके आते हैं जिससे उसके लेवल का पता चल सकता है। तो संजीवू का हाथ वो उस पर रखवाते हैं और उनको पता चलता है कि संजीवू का पावर लेवल 10 है। ये ई ग्रेड में भी सबसे लोवेस्ट है। एक नॉर्मल ई ग्रेड हंटर का पावर लेवल 70 होता है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ 10 ही है। वो ऑफिसर कहता है कि ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहेगा। तो उसके बाद वो ऑफिसर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि संजीवू को स्क्रीन अभी भी दिख रही है। उस स्क्रीन में कुछ टास्क होते हैं जो उसको पूरे करने होते हैं। जब वो स्क्रीन को देख रहा होता है तभी उसकी जो सिस्टर है वो अंदर आ जाती है, वो उससे उसका हालचाल पूछती है। वो संजिंग वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं। उसकी सिस्टर बोलती है कि मुझे कोई स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, और उसकी सिस्टर फिर चली जाती है और संजीवू को जो टास्क दिया होता है वो नहीं करता और वो सो जाता है। और वहां पर नोटिफिकेशन शो होता है कि अगर वो ये टास्क पूरे नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी मिलेगी, और धीरे धीरे टाइम बीत जाता है सभी टास्क पूरा करने का। उसके बाद उसको पेनल्टी मिलती है, उसको एक रेगिस्तान में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा होता है। उसको 4 घंटे तक उस मॉन्स्टर से बचना होता है, और आखिर के कुछ सेकंड में उसको मॉन्स्टर खाने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय टास्क पूरा हो जाता है और वो दोबारा हॉस्पिटल में आ जाता है। तो उसके बाद संजीवू सभी टास्क कंप्लीट करने लगा था, उसके बाद उसको रिवॉर्ड भी मिलते थे। और संजीवू बताता है कि मुझे 4-5 दिन हो गए हैं यही सब टास्क करते हुए, और मुझे अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं। जब मैं टास्क पूरा कंप्लीट करता हूं तब मेरे को रिवॉर्ड मिलता है कि जो कुछ भी मैं थका हुआ होता हूं वो सारा कुछ रिकवर हो जाता है। और उसको एक की भी मिली होती है जिससे वो कोई भी पोर्टल खोल सकता है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल से परमिशन लेके वहां से निकल जाता है, और वो एक जगह पर जाकर उस की का यूज करके एक पोर्टल खोल लेता है। वो उस पोर्टल के अंदर जाता है तभी वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। वो ये सोच के गया था कि अगर वहां पर कुछ डरावना हुआ तो वो तुरंत भाग आएगा, लेकिन वो डोर वहीं पर क्लोज हो जाता है। और उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम या तो तुम इस जगह के बॉस को मारो, या तुम्हारे पास एक क्रिस्टल होना चाहिए जिससे तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो संजीवू के पास क्रिस्टल तो नहीं था और उसको बॉस को ही मारना पड़ेगा, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और अगर मेरे रिव्यू की बात करें तो मुझे एपिसोड सही ही लगा। एनिमेशन स्टाइल भी ठीक ही था, लेकिन मैंने एक एनिमे देखी है जिसमें एक बंदे को चीप सिस्टम मिल जाता है, मुझे वैसा वैसा कुछ लग रहा है। वो भी ऐसे ही करके अपनी पावर्स को बढ़ाता है, इनहेंस करता है और सबसे पावरफुल बन जाता है। जो एनिमे मैंने देखी थी वैसी वैसी स्टोरी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ चेंज होगा इस स्टोरी में भी, तो आई होप चेंज हो जाए। लेकिन अभी मुझको ये एपिसोड नीचे गिरता हुआ लग रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 एपिसोड बहुत बैड है, लेकिन अब आगे आगे जो फाइट्स आएंगे उनमें उनसे एपिसोड की हाइप और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सी यू नेक्स्ट वीडियो।